अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके हंजरवाल में, जहां पे कदीम कुल्लू मौजूद है। और इस कदीम कुल्लू की ख़ास बात यह है कि आज के इस जदीद दौर के अंदर इसको चलाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। अल मशहूर फजल कुल्लू वाले 1972 से ये कायम शुदा दुकान है। आइए हम इस कुल्लू की कहानी सुनते हैं खुद उनके अपनों की ज़बानी। जी, मैं आपको इसका बताऊंगा। आज क्योंकि जदीद दौर है, जदीद दौर में लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, जदीद भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, मशीनरी आ गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा तरीक़ेकार अभी भी नस्ल दर नस्ल वही चलता आ रहा है। हम अभी भी वही लकड़ी का बना हुआ कोल्लू है और ऊँट से ही निकाल रहे हैं। और ये एक ऊँट जो है ये 15 साल से चल रहा है हमारे पास, ये वाला। इससे पहले भी ऊँट आते रहे हैं, लेकिन वो एक जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको रिलीफ दे देते हैं, फिर नया ऊँट ले आते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है, हम जो भी मटेरियल जिसका भी तेल निकालना होता है वो सबसे पहले इसमें इन करते हैं, उसके बाद ये चलता है, चलता है, चल जाता है। ये तकरीबन कोई 2 से 2.5 से 3 घंटे में इसका तेल निकलना शुरू हो जाता है और तकरीबन 3 घंटे के अंदर उस अपना प्रोसेस ये मुकम्मल कर। एक टाइम के अंदर आप इसके अंदर कितनी सरसों डाल? इसमें तकरीबन 20 से 25 किलो एक टाइम में सरसों डलती है और उसका कोई 7 से 8 किलो 9 किलो तक घी निकला था। ये सरसों की किस्म होती है, कुछ सरसों में ज़्यादा तेल निकलता है, कुछ में कम निकलता है। इसी तरह बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनके तेल निकलते हैं, खाली सरसों का नहीं निकलता है। सरसों के अलावा कौन कौन से तेल इधर? सरसों के अलावा आपके सामने ये तेलों के सैंपल लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तेल जो है ना हमारे यहाँ निकाले जाते हैं, जिनमें बादाम का तेल भी निकाला जाता है, खसखास। उसका भी तरीक़ाकार यही है? तरीक़ेकार सबका एक ही है, इसी कोल्लू से निकलते हैं, यही ऊँट निकालता है सरसों के तेल। और तरीक़ेकार भी यही है, किसी में टाइम थोड़ा सा कम लगता है, किसी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो नेचुरल तरीका है और जो जेन्युइन तरीका है, जो असल तरीका है, वो यही है। हमने देखा कि ये कायम शुदा जो दुकान है 1972 से है, तो ये कितने आपके अबाओ अजदाद कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं इसको चलाने के लिए इस दुकान को? जी, यहाँ चलते हुए इसको तकरीबन ये चौथी पीढ़ी चला रही है, नस्ल दर नस्ल ये चलता आ रहा है। ये पाकिस्तान बनने से भी, ये मुगलिया दौर से भी पहले का ये सिस्टम चलता आ रहा है हमारा, यहाँ चौथी पीढ़ी है। और ये सारा सिस्टम जो है ये हाथ से बनता है, ये कोल्लू भी हाथ से ही बनता है। इसका एक स्पेशल कारीगर होता है जो यहाँ बैठ के इसकी सारी मेजरमेंट लेके यहीं बनाता है। ये शहरा का ये बादशाह है और थकने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसको दायरे में चलाने के लिए इसका एक ख़ास मकसद है, वो कोल्लू का एक प्रोसेस है, वो दायरे में चलेगा तो वो सरसों जो है वो पिसेगी और उसका जो है वो तेल निकलेगा, इसलिए इसको दायरे में चलाया जाता है। और इसकी आंखें इसलिए बंद की जाती हैं कि इसको पता ना चले कि ये दायरे में चलता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट चलने वाला, सीधा चलने वाला जानवर है। लाहौर के अंदर आपकी इसके अलावा कितनी ब्रांचेज हैं? ये हमारी एक ही ब्रांच है, इसके अलावा जो हमारी वो सांधे में एक ब्रांच है, एक से एक उधर फूलों वाली मंडी जो है वहाँ एक ब्रांच है, वहाँ भी इसी तरह इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, सेम ही सिलसिला है। वो भाई हैं, बड़े भाई हैं, 3 कोल्लू हैं हमारे, 3 के अलावा हमारे कोई कोल्लू नहीं, यहाँ एक। ये हमने देखा है कि जब इधर से स्लो रफ्तार के अंदर तेल निकल रहा है तो जब ये बाल्टी भर जाती है आप इसको दोबारा उसके अंदर फेंक देते हैं, ये क्या तरीका? उसका एक टाइम होता है, पहले तेल जब निकलता है तो वो उसका वो पूरा तेल नहीं निकलता और उसकी वो जो क्वालिटी है वो पूरी बनती नहीं है। उस क्वालिटी को बनाने के लिए उसको एक दफ़ा दोबारा से फिर प्रोसेस के अंदर डाला जाता है। ये एक से दो दफ़ा डालें उसके बाद भी पूरा तेल बंद साफ़ और शफाफ तेल निकला? जी, साफ़ और शफाफ तेल निकल आता है, लेकिन उसको फिर कुछ अरसे के लिए रखना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, ताकि उसका जो भी गर्द है, कोई चीज़ है, वो बैठ जाए। कोई भी तेल, सारे तेलों का प्रोसेस एक ही है, उसके बाद भी साफ तेल ऊपर आ जाता है, उसको हम अपने इस्तेमाल के लिए ले आते हैं। ये जो ईंटें रखी गई हैं इसके अंदर, इसका क्या मकसद? ये वज़न डाला जाता है सरसों को दबाने के लिए, जो कोल्लू अंदर चल रहा है ना, सरसों अंदर डली हुई है, उस सरसों को दबाने के लिए इधर वज़न डाला जाता है। यहाँ वज़न डलेगा और सरसों वहाँ से दबेगी और उसका तेल जो है वो नीचे से जो आप देख रहे हैं वो निकलना शुरू हो जाएगा तरीके से। लेकिन ये जो सरसों का तेल निकलता है ना, यहाँ खालस तेल सरसों का निकलता है, ये आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो उसकी मालिश के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए भी। इसके खाने से आपको हार्ट का मसला नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको यूरिक एसिड नहीं होगा और इस तरह आपकी बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे, आप अगर सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करेंगे बाकायदगी के साथ। जी नाज़रीन, ये कदीम कोल्लू अल मशहूर फजल कोल्लू वाले 1972 से कायम शुदा है। नाज़रीन, यहाँ सरसों के तेल के अलावा बादाम का तेल, जैतून का तेल, तिलों का तेल, इलसी का तेल, कद्दू का तेल, नारियल का तेल,
और इसके अलावा और भी बहुत सारे तेल यहाँ पे इसी तरीके से निकाले जाते हैं। इजाजत दीजिए, कैमरामैन नुमान के साथ आपका मेजबान कैसर हनीफ। मगर जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।